मंदिर पे मेरे बा पर्वत की पुजारी हूं। अब अपनी तप और ध्यान में एक शोर है थी उष्ट में राजन हमारे चंद्र बिंद में आकर गिरा है। राजन बाबा, हे राजन, मैंने भागी बनकर आया हूँ आपके चरणों में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताए हैं, जो संत मिलन को चाहिए अपनी मन की ध्यान, जितना पर परे भूमि पर उतना तीर्थ समान। प्रभु हे राजन, तो दयालु हो बाबा, ध्यान से तुझे मैं जान लिया हूं कि तू कहां की रहने वाले हो बाबा।
जादव सिंह और बालदेव सिंह उजैनगढ़ के रहने वाले होते, लेकिन अंतर्यामी स्वामी है। इस मकसद से हमें तू पूजा और ध्यान और सेवा को बजाया है बाबा। हे राजन, आप तो जानते हैं हर चीज बाबा, आपके आगे कोई आते हैं तो आपके बालक बनकर आते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बतलाए हैं जो कि खोद खाद धरती से है, काट खोद बन रही कुटिल बचन जो संत सहे तो और सहारा जाए। राजा तो कारण ही जानना चाहता हूं, तो संत है। संत हूं मैं रे मीठी शब्द के बोलिए, मन का आपा खोल और उनको शीतल कीजिए ताप है शीतल। बाबा आप जब तक वचन ना दीजिएगा तब तक हम नहीं कहेंगे। हे राजन, एक संत के साथ तुम वचन क्या चीज का। बाबा अगर अंतर्यामी स्वामी है आप तो वचन दीजिए। दुनिया जानता है कि ये गोरखिया बाबा शिव जी देवा पर्वत में रहते हैं, हम तीन लोग में छह महीना आगे और छह महीना पीछे। वचन मांग रहा है, बड़े बड़े सूरवीर बड़े बड़े राजाओं वचन को दिया था, लेकिन उस एक दिन उसे पछताना। बाबा वह राजा नहीं हूं मैं, आपके सामने एक भिखारी बनकर खड़ा हूं। जानते हैं हम तिरोता में, तिरोता युग में केखिर ने सत बनाया था दशरथ से। हे राजन तू जानते हो त्रेता युग में केकर ने दशरथ को सत किया था, लेकिन उसका जान जानते हो उसे 14 व्रत बर्बाद। प्रभु हे राजन, दशरथ बनकर नहीं आया आपकी चरणों में। हमें तू सेवा को बजाया है, मैं काफी परेशान हूँ, लेकिन मैं कारण तुझे बता दिया हूँ कि बड़े बड़े राजाओं ने बड़े बड़े युग में जितने भी वचन दिए उसे एक दिन पछताना पड़ा। तो ठीक है बाबा, आज रे सत्य बराबर तत् बराबर सत है तो झूठ बराबर पाप, अगर हृदय में मन साफ है तो हरि कुट हो। बाबा वचन दे दिए ना, कान खोल कर सुन लीजिए। बाबा हे राजन, मैं खाली झोली लेकर आया था आपके सामने, आपने मेरा झोली में भिक्षा डाल दीजिए। बाबा भिक्षा
जन्म, इससे पहले मैं क्रोध में आ जाऊं ना जाने तू क्या। ऐसा नहीं हो सकता। हे राजन, मैं वापस चला जाऊं बसंत छोड़कर। ये तुझे क्या मांग लिया है, ये तू क्या मांग लिया है शायद ये नामुमकिन लग रहा है। क्या बाबा, कभी ने बताया है रघुकुल रीत सदा चल जाई, अप्राण जाई पर बचन न जाई। अब पीछा हटते हैं, क्या संताप। बचन से तो हम मजबूर हो चुके हैं, लेकिन तू ये अगर ये तू मांगने से पहले मैं क्रोध में आ गया होता तो ना जाने में कैसा कैसा हिमालय जानते हैं आप। हम जिस दिन लौट कर आएंगे तुम्हारे पर्वत पर, मैं क्या करूंगा। झोपड़ी जो है आपको, झोपड़ी है ना बाबा, मैं उसे क्या करूंगा। बचन से मजबूर हो चुका हूँ, लेकिन हम तुझे बचन देता हूँ, तुझे तिल का मिलेगा कार्तिक मास के दिन उज्जैनगढ़ में रेवा पर्वत में तिल का आएगा, तुम्हें वहां मिलने। भैया जी चल चल है, जिस नदी में पानी नहीं बहती है वो नदी सुहान को नहीं देता है, मंदिर में पूजा नहीं है मंदिर सुहान को नहीं। हेलो, जिस घर में घर नहीं है वो घर अच्छा नहीं लगता है। क्यों नहीं, कोई कहता है एक एक शादी फुट्टू हुदल, लेकिन मुब्बा का तीन तीन शादी किया है। Yeah.
वीर सिंह सासुर पर तो देश मोहब्बत के अंदर ससुर का नाम सुबाता सर सासू की नाम माता देवला भैसुर की नाम कैसे बताऊं मैं तुल्हित उदय चंद्र महाराज के कहती हूं मेरी नाम रानी तिलका है जिस रोज से सासुर से नैहर से सासुर आई बन के तुल्हित कोठरी में बैठी हूं जिस रोज नैहर थी उस रोज हर समय बाबा इंद्र की पूजा किया बाबा भोलेनाथ की पूजा किया मौका किसी को नहीं मिल रहा है मैं किसकी पूजा करूं आज मुझे मौका मिला है बाबा विश्वकर्मा के शरण में जाकर बाबा विश्वकर्मा की पूजा करें उनसे सारी आशीर्वाद लेकर खुशी की राज बिताए सारे के सारे जय निगत
रेबा पर्वत पर मेला लगी है सारे यदि आपको क्या विचार है? मेरी विचार ये है यदि बहुत दिनों की बात आप मौका मिला है प्रमाणा लिख के देते देवर को, देवर बोला के भवन में लाते देवर से कहते के हे देवर चल देवर पलटन फौज तीर कमान गोली बंदूक सारे के सारे तोप तैयार करके चलो मेला के पास सबके बिना मेला मेला सुहावन लगता है एक सोना रुदल बिना मेला उदासी था दिल में लगा रही अरमान हे देवर आज दिन है मेला देखने के लिए थोड़ा मेला दिखा दे देवर बड़ी खुशी की हो मेला घुमा दे तोरे बापा रबत का देवर हम शिव बाबा का पूजा करेंगे उनसे आशीर्वाद लेंगे बाबा बाबा से आशीर्वाद लेंगे शिव का जल चढ़ाएंगे इसीलिए कहा जाता है संत मिलन को जाइए अपनी मन की ध्यान जितने पग पड़े पृथ्वी पर उतना संत सरोवर गंगा जली दासे भिगाओ अंग ए दिया निर्बंध है इस साधु के साथ क्यों नहीं मेरी दीदी देवर के बिना सोना को एक पल जीना बेकार है देवरा
कभी दांतों के असूरों से खुशबू आ नहीं सकती है कभी कागज के फूल। देवर प्रीत करो तो विवाह करो, जस बुद्ध नेकी रंग धोए से छूटे नहीं जा सोना के संग। देवर प्रीत करो तो प्रीत करो तो ऐसा करो अनृत करो पहले कह देना गाढ़ी प्रीत अथा भय दुखम सुखम। हाँ दीदी चला जाए अब भवन के पास। चलिए एक बात पहले प्रमाणा लिख के दे देवर के पास। दीजिए देवर बुला करके उनसे सलाह लेना। दादी श्रीमान ये बादी मैं जब से नैना से जब मैं आई नगर भप्पा के अंदर में ये बादी मेरे साथ है। बड़ी दुलारी अटाधारी हमारी बादी है। खाना मैं अपने खाती हूँ बादी को खिलाती हूँ। जो वस्त्र अपने पहनती हूँ बादी को भी पहलाती हूँ। बड़ी सुपमारी बादी हमारी बादी ये परमाना तुम्हें लेकर के जाना होगा हमारे देवर के पास। ठीक है मैं तैयार हूँ। धन्यवाद देवर। ये परमाना कोई दूसरे तीसरे किराए के राजा का नहीं है। देवर कोई दूसरे तीसरे रविवास का नहीं है। जबर ये खास चलान भाभी सोना नैना गढ़वाली नगर मोहप्पा से तुम्हारे पास। जबर लिखती हूँ खत खून से स्याही मत समझना मरते हूँ तेरे याद में जिंदा मत समझना। जबर अलग बलग सरनामा लिखे बीच में लिखे गंगा माए सात सलामी नौ गो मुजरा पंडित जी का है मेरा प्रणाम सुख आशीर्वाद है देवर का। देवर देखा तो पुर्जा देर न करना जल्दी आना भाभी भवन। ये बात परमाना ले ले सुन लो चल जा रमते झमते रास्ते में न कहीं करना मकाम। जहां देवर हमारा बैठा होगा ये परमाना देना झुक के करना सलाम। दादी हाँ दीदी अब चल दादी भवन के पास से लेट करने से बिल्कुल बेकार टाइम ज्यादा हो चुकी है इसीलिए यहाँ बेकार रहना है टाइम फजूल का व्यस्त करना बेकार है। We'll be right back.